गाइस, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलिए आज की स्पेशल एक भुर्जी क्रिस्पी सैंडविच तैयार करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने चॉप्ड अनियन ले लिया है, चॉप्ड गार्लिक, चॉप्ड कैप्सिकम एंड ग्रेटेड कैरेट। तो यहाँ पे मैंने चॉप्ड ग्रीन चिली ले लिया है। तो मैंने ग्रेटर पे कैरेट को ग्रेट कर लिया है बहुत अच्छे से, और एक एग ले लेंगे। तो आप चाहिए तो दो एग भी ले सकते हैं। तो ये सब चीज़ हम लोगों को लगेगा एक भुर्जी बनाने के लिए। तो एक कढ़ाई ले लेंगे, उसके बाद हम लोग उसमें ज़ीरा दे देंगे, और उसके बाद हम लोग गार्लिक, चॉप्ड गार्लिक दे देंगे, और उसे थोड़े देर के लिए हम लोग चला लेंगे। और उसके बाद हम लोग जो ग्रेटेड कैरेट था वो कैरेट दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने हाफ कैरेट को ग्रेट किया है। बहुत ही अच्छे से हम लोगों को इसे पकाना है। उसके बाद हम लोग चॉप्ड कैप्सिकम दे देंगे। तो मैंने यहाँ पे हाफ कैप्सिकम लिया है, उसे भी हम लोग बहुत ही अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद हम लोग चॉप्ड अनियन दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक अनियन लिया है, और उसे भी हम लोग अच्छे से पका लेंगे। उसके बाद हम लोग सॉल्ट दे देंगे, नमक दे देंगे, एकदम पूरा एक भुर्जी और मतलब सब्जी के हिसाब से। और उसके बाद थोड़ा सा हम लोग कश्मीरी रेड चिली पाउडर दे देंगे। और उसके बाद हम लोग लीड को मतलब कवर करके थोड़े थोड़े देर में हम लोग इसे पका लेंगे। उसके बाद हम लोग इसमें एग दे देंगे। ये देखिए, मैंने फ्लेम को अभी लो कर दिया है। हम लोगों को एक भुर्जी को ज़्यादा नहीं पकाना है। देखिए, हम लोग अच्छे से जल्दी मिक्स करके, आप लोग इसे ओवरकुक मत कीजिएगा। उसके बाद हम लोग फ्लेम को ऑफ कर देंगे। और उसके बाद ऑफ करने के बाद हम लोग चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स दे देंगे, और इसे अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, मैंने ब्रेड का स्लाइसेस ले लिया है। और उसके बाद हम लोग ब्रेड के ऊपर टोमेटो सॉस, जो केचप मिलता है, वो केचप हम लोग इसे इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। और एक ब्रेड के ऊपर हम लोग ग्रीन चिली सॉस स्प्रेड कर देंगे। बहुत ही अच्छे से स्प्रेड करना पड़ेगा। आप लोग चाहिए तो मतलब किड्स के लिए ग्रीन चिली सॉस स्किप भी कर सकते हैं। ये देखिए, और उसके बाद हम लोग दो चम्मच एक भुर्जी दे देंगे इसमें। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी, अभी से ही मुंह में पानी आ रहा है ना। और उसके ऊपर हम लोग ये ब्रेड का स्लाइसेस दे देंगे। तो हमारा जो सैंडविच है वो रेडी हो गया है अभी कुक होने के लिए। उसके बाद हम लोग एक पैन या तवा, जो भी है आप लोग ले लेना। उसके बाद हम लोग उसके ऊपर तेल दे के पैन के जो मिडल है उसमें हम लोग इसे क्या करेंगे, अच्छे से लो फ्लेम पे ताकि क्रंची हो जाए। ये देखिए कैसा मतलब आप लोग साउंड सुन के मतलब देखिए, बहुत ही क्रंची हुआ है हमारा जो सैंडविच है। तो हम लोग सेकंड सैंडविच को भी बना लेंगे इसी तरह। और कुछ ही सेकंड के लिए हम लोग को लो फ्लेम पे इसे पकाना है, हाई फ्लेम पे मत पकाइएगा। और अगर आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा सेकंड चैनल का लिंक है, और इंस्टाग्राम पे भी लिंक है। तो वहाँ पे भी मुझे सब्सक्राइब करना और फॉलो करना मत भूलिएगा। तो चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, इस सैंडविच को कट कर लेंगे। तो आप लोगों ने देख लिया कैसे हम लोग बहुत ही आसान तरीके से एक भुर्जी सैंडविच और उसके साथ वेजीज भी मिला के हम लोग कैसे बना सकते हैं घर पे। बहुत ही यमी और बहुत ही क्रंची और क्रिस्पी एक भुर्जी सैंडविच हमारा रेडी होकर तैयार हो गया है। तो आप लोग इसे गरम गरम सर्व कीजिए अपने बच्चों को, तो उन लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा। बहुत ही मतलब बहुत अच्छा हुआ था। तो टिल देन स्टे हैप्पी, टेक केयर, बाय बाय। Thank you.